कर दिता, पापा तो दिल खुश कर दिता वैष्णवी। तो हम ये ले रहे हैं ना, ले लेंगे यार, वाकई में दिल खुश कर दिए यार आप। मतलब इतना अच्छा सरप्राइज अगर आप देंगे ना, तो हम तो रोज आपको चिकन बना के खाएंगे। बहुत पसंद आया। और इतना बड़ा मेरा, इतनी बड़ी मेरी फैमिली भी नहीं हूँ जितना मेरा ये मकान है। तो मैं अपने ससुराल वाले सबको इनवाइट कर रही हूँ, यहाँ 4 रूम का ले रही हूँ, तो थोड़ा भी कंजेस्टेड नहीं है। हाँ, तो एक मेरे लिए हो जाएगा, एक आपके भाई के लिए हो जाएगा, एक पापा मम्मी के लिए हो जाएगा, और कभी कभार अगर दीदी लोग आना चाहे तो उनके लिए भी हो जाएगा। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एमसन सुपरजीत में। तो आज हम नई जगह जा रहे हैं, रोज जाते हैं कहीं ना कहीं, बस हस्बैंड का 2 दिन छुट्टी रहता है सैटरडे संडे, वो दोनों बाहर जाने में यूज कर लेते हैं। गाड़ी में बैठ गया है ड्राइवर ही गायब है, बताइए आप कैब वाला ही है ना या किसी का पर्सनल गाड़ी में बैठ गया है? ड्राइवर ही था, कहाँ गए? पानी के नाम से हमको भी प्यास लग गई है। पानी पीना है वो अभी नहीं, ऊपर से जाके ले आइए ना, अभी उसको आने में टाइम लगेगा ना, शॉप से गया होगा लाने के लिए। छोटा वाला बोतल रखा है ना, एक बोतल ले आइए। बताइए, किसी कुछ करने से हमको ही वो करने का मन करता है। इसने भी कहा है, है? है? तो एकदम अंदर घुसी हुई है, क्या कर रही है अंदर, क्या कर रही है? हैं मेरी बेटी रानी, तो ये माय बेटी दोनों मैचिंग मैचिंग पहन के आए हैं, ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ मुझे खुद नहीं पता है, बस मेरे हस्बैंड ने बोला है कि सरप्राइज है, चलो कहीं लेके चलते हैं। और क्या, बस वहाँ जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं, खाना पीना खा के जा रहे हैं। तो मे भी आज पूरा दिन नहीं लगेगा, जाएंगे और आएंगे ऐसा उन्होंने बोला है। तो कहाँ जा रहे हैं हमें खुद नहीं पता है, तो जाने के बाद पता चलेगा। वैष्णवी आ जा, तो वैष्णवी मम्मी बेटी दोनों मैचिंग मैचिंग पहने हैं, ब्लैक ब्लैक। हाँ, तो रोते नहीं है ना? तो आज फिर से हमने सूट पहना है, गाउन टाइप, क्योंकि भैया पता है वैष्णवी परेशान नहीं करेगी, वैष्णवी बेटी बहुत समझदार है। थैंक यू मेरे हस्बैंड, पानी ला के दे दिए, देखो पापा। मैं भी पहली बार ही जा रहा हूँ, जो लोकेशन है ना वही पे चलना है। प्लेस बताना, प्लेस धूप भी निकल गई है, ठंडी तो लग रहा है, अंदर लग रहा था धूप नहीं है, बाहर आने को पहली बार ही जा रहा हूँ। तो पापा आज कहाँ घूमने घूमने कराने ले जा रहे हैं? पापा आज हमको भी नहीं बताए हैं, सरप्राइज है। Oh, my God.
तो ये पूरी हरियाली अब देखिए कितना मस्त लग रहा है। तो ये है सरप्राइज, यहाँ पे लेके आए मेरे हस्बैंड, ये बच्चों का खेलने का पार्क बना हुआ है। तो वैष्णवी हम आए हैं बिला, तो हम बिला आए हैं देखने के लिए क्योंकि हमें घर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो गई है तो हमें लेना ही पड़ेगा ना। तो हस्बैंड बोल रहे हैं इंडिपेंडेंट हाउस लेने के लिए। बिला देखने के लिए कौन है ये, कौन है वैष्णवी? तो ये पार्किंग एरिया है वैष्णवी। ये बात करने नहीं दे रही है, पापा के लिए बात कर रहे हैं वैष्णवी को। बहुत बदमाश हो गई है। हम जा रहे हैं, टा 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 टा। हे वैष्णवी, वैष्णवी तो ये बिला 4 BHK ये हॉल है ना, ये हॉल हो जाएगा, ये टीवी के लिए बनाया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये हॉल से अटैच है, एक रूम ये है। कितना प्यारा लग रहा है ना, ओ माय गॉड क्या शाइनिंग। ओ सीसा है इस पे, यहाँ पे टीवी लगा सकते हैं। और ये रूम हो गया, इधर विंडो दिखेगा, वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ का देख सकते हैं एसी कैसे लगा हुआ है ऊपर, ये नीचे पूरा चीटी चीटी। ये वॉशरूम हो गया, अभी हम अंदर दिखा सकते हैं क्योंकि यूज नहीं है, पूरा क्लीन है वैष्णवी की तरह। लिफ्ट वगैरह भी है, तो ये देखिए, ये चीज नोटिस कीजिए, ये दिख रहे हैं ये हल्का खुरखुरा टाइप में ताकि स्लीप निकल। ये डाइनिंग एरिया विथ किचन, ये तो काफी कंजेस्टेड है, बट कंजेस्टेड में भी कंजेस्टेड नहीं लग रहा ना। ये स्टोरेज के लिए है, ये फुल स्टोरेज, तो आप यहाँ भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ भी लगवा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये है पूरा, और ये रहा माइक्रोवेव वगैरह। वाह, मतलब एक चीज तो है, ये तो मानना पड़ेगा, कम जगह में जो डिजाइनर का वो होता है ना, ये देखिए, ये अपने किचन में तो पूरा लगवाना है इस टाइप से। ये वाला थोड़ा ना लुक भी अच्छा लगता है और यूज हो जाता है ना, ऐसा लग रहा ना दीवार टाइप का, लेकिन ये इस टाइप का। ये डाइनिंग टेबल 6 सीटर का है, उधर भी है, उधर भी बैठ सकते हैं 2-3 बंदे आराम से। और ये सिंक एरिया, नहीं तो यहाँ से उठिए और यहाँ पे हाथ धो सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है कम जगह में। और यहाँ पे बैठ के बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। ये चीज़ें डिजाइनर के ही दिमाग में आता है ना, हम जैसे लोगों के दिमाग में आता भी है तो नहीं। और देखिए हर जगह ना शीशा लगा रखे हैं ताकि लड़कियाँ जब चाहे अपना खूबसूरती का नज़ारा ले सकती हैं। नहीं ये मेरे को, ये देखिए मेरे को ये अच्छा लगा टाइल्स, आप फील नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप सॉक्स पहने हैं ना, हम फील कर पा रहे हैं। ये थोड़ा ना हल्का सा खुरकुरापन है,
तो क्या है ना, बच्चे स्लीप नहीं। और ये देखिए, हम शीशा जो बोल रहे थे ना, ये शीशा पूरा शीशा लगा, तो ये सेफ तो रहता है ना। और ये झूमर देखिए, तो ये वाला मैं ऐसा ही चाहती थी, मतलब बीच में हमारा सीढ़ी हो ताकि इधर भी हो। तो ये मेरे सपनों का घर, देखिए आप लोग। सपनों का घर ऐसा नहीं होगा, इससे भी बेटर होगा, बट ये भी बहुत ही मज़ेदार है। फिर से तुम यहाँ रहे। तो ये सेकेंड रूम, जिसमें ये देखिए, ये ओहो किस तरह से बनाया गया है ना, कि मतलब पूरा ही अच्छे से यूज किया है, और लड़कियाँ हैप्पी रह सके इसके लिए। ये पूरे जगह शीशा, आप कहीं भी आते जाते खुद को निहार सकते हैं। नहीं तो ये भी मस्त लग रहा है, और ये भी ऐसा लग रहा है जैसे दीवार हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब डोर हो, थोड़ा वो वाला फील दिया है। इधर सिंगार का सामान आप रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं, और इस रूम से अटैच ये है वॉशरूम। तो ये 4 BHK विला है, हमें 2 BHK विला चाहिए था, लेकिन ये 4 BHK है, लेकिन अच्छा लग रहा। फिर इस रूम से अटैच ये बालकनी है, देखिए ये नेट है, ये शीशा है, और ये देखिए बाहर का नज़ारा ले सकते हैं। वाकई वैष्णवी खुश है, पापा खुश कर दिए हो आज सरप्राइज देके। और फिर यहाँ से बैठ के आप बाहर का नज़ारा ले सकते हैं, मतलब लेकिन सब जगह शीशा का यूज ज़्यादा किया है ना, पूरा ही शीशा का यूज है। तो ये सेकेंड रूम, इस रूम यहाँ से सीढ़ी चढ़े थे, ये एरिया पूरा मस्त। और ये फिर सेकेंड थर्ड रूम हमारा ये हो गया, वाह। फिर यहाँ भी आप टीवी लगा सकते, इतनी तो मेरी फैमिली भी नहीं है जितना ये बड़ा बना है कि ये देखिए, नहीं दिल खुश कर दिया यार। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, दिलाए दिखाने के लिए लाए ना, तो ले भी लेंगे। ये वाला फील हम अपने उसमें देंगे। फिर इस रूम से अटैच ये स्टोरेज, यहाँ पप दिया है, इधर आप श्रृंगार कर सकते हैं। वॉशरूम काफी स्पेसिंग भी है, ऐसा नहीं लग रहा कंजेस्टेड टाइप का। इसके पीछे ये दिया है, यहाँ ये दिया, इधर नहाने का दिया है, सावर देखिए। और बस एक गलती क्या है, इसमें शीशा नहीं दिया है, शीशा यहाँ दिया है। और इसमें ये चीज मतलब अच्छा लग रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों। अपना कितना में कितना होगा छोटा है, और इससे भी देखिए अटैच बालकनी है, और यहाँ भी नेट लगा है, शीशा लगा है, जा सकते हैं आ सकते हैं। क्या बताऊँ, मतलब दिल खुश हो गया। और ये कितना में कितना होगा, 11 14। अपने अपने रूम से भी छोटा है ना, तो हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते हैं। इसके भी ऊपर है। तो ये 3 रूम दिखा दिए, 4 BHK है। क्या बताऊँ आपको, मेरा दिल खुश हो रहा है बार बार। और ये देखिए झूमर, तो ये मैं सपनों का महल लेने आई हूँ। तो ओ माय गॉड, मूवी थिएटर, यहाँ पे बैठ के आप मूवी का ये प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर ना, थैंक यू यार। फिर इससे बाहर ये फिर बालकनी, बताइए इससे ज़्यादा बड़ा हमारा ससुराल वाला घर है, लेकिन वो फील नहीं आ पाता है ना। फिर इससे अटैच वॉशरूम, क्या बताऊँ यार, दिल खुश कर दिए पापा, तो कितनी बार बोलूँ। फिर ये बाहर का एरिया, जिसको क्या बोलते हैं, टेरिस बोलते हैं, राइट। ये यहाँ पे आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। ये देखिए ये वाला पूरा आप लुक तो उठा सकते हैं, यहाँ पे मस्त लग रहा है। और ये क्या है,
स्टोरेज तो नहीं है कहीं? यस, इसको आप स्टोर रूम बना सकते हैं आपके अपने अकॉर्डिंग। यहाँ हम रात में, और देखिए यहाँ से पूरा नीचे तक आपको रोशनी जाएगी, नहीं पूरा ही रोशनी जाएगा, अंधेरा नहीं लगेगा। और फिर इसके ऊपर भी है, तो इसके ऊपर चढ़ के आप छत पे भी जा सकते हैं। बाकी फिर इसके बाहर का लुक दिखाती हूँ, पूरा ही हरियाली हरियाली। ये टाइप ए है, ठीक है, जो कि हमें बहुत पसंद आया। वो टाइप बी है जो कि इससे भी ज़्यादा बेटर है, इससे छोटा है, इससे छोटा है, मतलब यही बड़ा है ना। अच्छा, हाँ तो सेम सेम ये क्या दोनों है? खुश कर देता पापा तो दिल खुश कर देता वैष्णवी। तो हम ये ले रहे हैं ना, ले लेंगे यार, वाकई में दिल खुश कर दिए यार आप, मतलब इतना अच्छा सरप्राइज अगर आप देंगे ना तो हम तो रोज आपको चिकन बना के खाएंगे। ठीक है, बहुत पसंद आया। और जितना बड़ा मेरा, इतनी बड़ी मेरी फैमिली भी नहीं हूँ, जितना बड़ा ये मकान है, तो मैं अपने ससुराल वाले सबको इनवाइट कर रही हूँ। यहाँ 4 रूम का ले रही हूँ, तो थोड़ा भी कंजेस्टेड नहीं है। हाँ, तो एक मेरे लिए हो जाएगा, एक आपके भाई के लिए हो जाएगा, एक पापा मम्मी के लिए हो जाएगा, और कभी कभार अगर दीदी लोग आना चाहे तो उनके लिए भी हो जाएगा। करने की जरूरत नहीं है, तो यहीं सब दे सकते हैं। और यहाँ देख क्या सकते हैं, रूम से भी देख सकते हैं, सब जगह शीशा का ज़्यादा यूज किया गया है। तो ये सही है या नहीं ये नहीं पता, बट दिखने में लुक भी अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए ऐसा ऐसा पूरा सीढ़ी के पास लग, मतलब मस्त लग रहा है ना। किचन थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन अच्छा है ना, ऐसा भी नहीं लग, संभल के बैठना पड़ेगा। और एक चीज और है कि जैसे कोई भी आ गए ना तो किचन गंदा नहीं दिखना चाहिए ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मतलब कंजेस्टेड है, कचरा है। वो ऐसे गेस्ट आ गए थे, हम यहीं पे बैठा खिला सकते तो यहाँ हम बनाएंगे क्या, तो पूरा साफ सुथरा अच्छे सबको रखना होगा। ओह वैष्णवी कैसा लगा, वैष्णवी खुश है? सब कुछ सेम है, बस ये फुल फर्निश्ड नहीं है, सेमी फर्निश्ड है, एरिया थोड़ा सा उससे छोटा है, और कोई अंतर नहीं है। ये एक रूम सेम, वॉशरूम सब कुछ सेम, डिटो सेम, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो ये बालकनी वैसे ही है, को वैसे थोड़ा सा हाइट से डर लगता है। फिर इसके ऊपर आइए, अरे वैष्णवी मम्मा तो थक गई यार, तो पक्का 5 kg कम हो जाएगा, इतना अगर हम रोज चले ना क्या ऐसे कम हो जाएंगे। फिर ये एक रूम वैसे सेम, और इधर फिर क्या है, वो हॉल है, फिर वो वैसा ही सेम है। जैसा उधर है वैसा इधर है, बस वो फुल फर्निश्ड है, ये सेमी फर्निश्ड है। इसके ऊपर जाने का मन करे तो आप जा सकते हैं सीढ़ी पर से चढ़ के, देखते मस्त है, सुपर है, बढ़िया है। तो ये देख चुके हैं, देखने के बाद यहाँ से निकल जा रहे हैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। यहाँ पे कंप्लीट होने में 2 साल लग जाएंगे, अभी 2 ही कंप्लीट है, एक फुल फर्निश्ड है, दूसरा सेमी फर्निश्ड। कहीं और भी है तो वो 6 मंथ में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको फुली फर्निश्ड भी चाहिए तो वो भी ले सकते हैं, सेमी फर्निश्ड चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। फुली फर्निश्ड का अलग प्राइस है, अगर सेमी फर्निश्ड है तो उसका अलग प्राइस है। फुल फर्निश्ड कराते हैं तो 55 लाख अलग से देना पड़ेगा आपको।
तो दूसरे प्रोजेक्ट की ओर चल दिए हम लोग। यहाँ से कितना दूर है? 1 किलोमीटर राइट। ये रहा सेकंड। व्हाट इज द एग्जैक्ट एरिया नेम? ऑल कंप्लीट है ना 6 मंथ में पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। ये रहा पूरा बना हुआ। तो ये एंट्री करते हैं इधर। ये तो वहाँ जो देख के नहीं आए थे भाभी के यहाँ, वैसा लुक है ना। इधर किचन था, ये हॉल एरिया था पूरा। ये देखिए हॉल का पूरा, इधर किचन। यहाँ के इंटीरियर में एक खास बात रहती है, सब जगह शीशा जरूर लगा के रखते हैं ताकि खुद को देखते रहे। ये देखिए इंटीरियर का पूरा काम। चलिए ऊपर देखिए, ये वाला पर्दा दिख रहा है, ऐसे ही पर्दा बोली हॉल में लॉन्ग वाला, वहां से लेके पूरा नीचे तक। ये टीवी के लिए सीढ़ी के नीचे बना है। और देखिए यहाँ का सीढ़ी पूरा फर्निश्ड है। हम लोग बिहार से है ना, वहाँ जो ईटा सीमेंट वो सब जो यूज होता है ना, तो ये सीढ़ी से जस्ट ऊपर चढ़ते ही एक रूम आपको इधर मिलेगा, अटैच वॉशरूम। ये उधर वो हो गया, ये सिंक हो गया, इधर नहाने का हो गया। और ये है आलमीरा जो कि लड़कियों को बहुत ही कम पड़ता है, ये स्टडी के लिए। डू नॉट टच लिखा हुआ है, सॉरी भाई। और यहाँ शीशा, हमको लगा इसके अंदर स्टोरेज है, नहीं। ये देखिए सिंपल में किया गया है, इधर बालकनी। पैसे लगाएंगे बट एक ही बार लगाएंगे और ऐसा लेंगे कि देख खुद को भी मतलब निहार सके क्या। ये नहीं कि मतलब ले लिए फिर साल दो साल में बोलेंगे रंजीत मजा नहीं आ रहा है, दूसरा मकान लेते हैं। ये अटैच वॉशरूम वैसे ही सेम, बस ये तो भी अच्छी है ना, खत्म हो गया। इसके अंदर कैसा स्टोरेज है, ऐसे ही सेम है, स्लाइडर लगा हुआ है। मेरे को चोट लग गया इसमें। चलिए वो ज्यादा अच्छा देख लिए ना, तो ये नॉर्मल लग रहा है। तो इसका जो एरिया दिया है रूम तक उतना ही है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं दिया है, तो वही है ना, बाकी तो कुछ नहीं है ना। अगर हमें जैसे हम इंडिपेंडेंट हाउस ले रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा एरिया देना चाहिए ना ताकि हमें जो लगाने का मन हो कुछ भी। क्या है लगाने के लिए, इतना समय क्या लगेगा, एक मिर्ची भी ना लगेगी। यहाँ टीवी रखने का है, ये अंदर से आप घुस जाइए। पूजा, लेकिन पूजा घर कहीं नहीं था, पूजा घर कहीं भी नहीं था। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार से कि हमें कैसा मकान चाहिए, ना कि अभी घर के लिए बुकिंग कर रहे हैं। तो अभी गलत मत समझना, अभी बोलने हमारी सर्चिंग जारी है। वहाँ से हम लोग चल दिए हैं, देख लिए। ये 2 BHK है जो कि हमें चाहिए था 2 BHK, लेकिन हमें पसंद नहीं आया, कुछ
देखा, तो कहते हैं ना पहले जब अच्छा देख लो ना तो उसके बाद थोड़ा सा भी अगर अच्छा ना दिखे ना तो तो पसंद नहीं आता। वही हाल है, हमने 4BHK जो देख के आया ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो ये 2BHK पसंद ही नहीं आया, कंजेस्टेड भी था, मतलब पसंद ही नहीं आ रहा था थोड़ा, ओके ओके था, तो इसलिए हम अब यहाँ से जा रहे हैं, कहीं और जा रही हूँ, थोड़ा सा वहाँ पे शॉपिंग करूँगी, शॉपिंग करने के बाद फिर घर निकलूँगी। तो कैब बुक की, एक कैब वाला कैंसिल कर दिया कम बखत इंसान, बताइए। हम धूप में खड़े हैं, मेरा बच्चा धूप में खड़ा है, तो यहाँ से पास में ही जाना है, इसकी वजह से हम थोड़ा अभी इंतज़ार कर रहे हैं बाहर के। चलो बस से चलते हैं, बस से हम लोग सफ़र करते नहीं हैं, कभी करना चाहिए, हस्बैंड को बताती हूँ, कभी लोकल चीज़ें भी यूज कीजिए तब तो मज़ा आएगा, ब्रांड और लोकल में डिफरेंट पता चलेगा। तो यहाँ पे बस का इंतज़ार कर रही हूँ, या ऑटो कुछ भी मिल जाए पास से जाने के लिए, कि पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं, फिर वहाँ से पास में ही हमारा अपार्टमेंट भी, और हम जहाँ आए ना ये भी पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। हल्ला मत करो वैष्णवी, अब इसको सोना है, सोने का टाइम जो हो गया है। पहले कैब में बैठ के आधा घंटा इंतज़ार करने के लिए, और हमने एक वीडियो रील्स के लिए एक वीडियो भी क्रिएट की है, जो कि परफेक्ट बना है कि नहीं वो तो घर जाने के बाद देखेंगे। नहीं डीमार्ट, लेकिन अभी हम डीमार्ट ना जाके यहाँ पे सेल लगा है, तो मैं वहाँ जाऊँगी पहले, ठीक है पहले वहाँ चलते हैं, वो सेल लगा है ना वहाँ चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं, उसके बाद डीमार्ट जाएंगे। ये सेल लगा है, क्या है कैसा है, थोड़ा देख के आती हूँ। ये सेल लगा है, क्या है कैसा है पता नहीं, कुछ खास नहीं दिख रहा है, इससे बढ़िया तो कुछ खाने पीने का लगा, काफी के निकल जाते। ड्राई फ्रूट हाउस, इतना सारा ड्राई फ्रूट लिए हैं, साथ में एक थैला भी दिए हैं। वैष्णवी खा रही, वैष्णवी दिखाना, तो वैष्णवी के लिए क्या लिए है, तो वैष्णवी के लिए हमने छुआरा लिया है, डेट्स बोल सकते हैं इसको, जो कि बहुत ही सॉफ्ट होता है बच्चों के लिए स्पेशली। अभी हमें अचानक से याद आया कि साल का लास्ट ये है आज, और मतलब पता ही नहीं चल पा रहा था कि आज साल ख़त्म हो जाएगा, और लास्ट साल में हम घूम रहे हैं, तो इतना सारा ड्राई फ्रूट लिए हूँ और एक थैला भी दे, जबकि इससे पहले हम एक जगह और भी शॉपिंग की थे, एक से कहीं था ना, वहाँ पे हमने 3-4 हज़ार का ड्राई फ्रूट लिया था, जो कि एक कैरी बैग भी नहीं दिए वो, जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। बस ये हुआ कि आज से मैं जब भी ड्राई फ्रूट लेना हो तो मैं यहीं आके लूँगी। तो मैं फिर से डीमार्ट आई हूँ, यहाँ पे मुझे स्टोरेज लेना है, मुझे ऊपर जाना होगा ना, फर्स्ट फ्लोर जाना होगा ना, चलिए और कुछ ज़्यादा लेना ही नहीं है, चलिए आइए। हमने शॉपिंग कर लिया है, वैष्णवी कितना सारा शॉपिंग की हो, वहाँ से निकल कर थोड़ा बहुत शॉपिंग करके अब घर की ओर जा रहे हैं। हमेशा नाइट करते हैं घर जाने में, तो इस बार हमने सोचा है नहीं, नाइट नहीं करना है, कुछ भी हो जाए हमें शाम होने से पहले घर पहुँचना है। तो अभी कितना बज रहा है, शाम तो ही गया है, 6:45 हो गया है, और हम यहाँ से घर की ओर जा रहे हैं। बच्चे भी संभाल रहे, लेकिन मोबाइल भी चल रहे हैं, बट मेरे पति देव है।
देखो आ गई मम्मा घर, अब रोना मत तुम। ये देखो छोटा बाबू, मैं इसने भी छोटा बाबू देखी, छोटा बाबू को नबी। तो हम लोग घर आ चुके हैं रात होने से पहले ना वैष्णवी। तो बोलो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। ओ मत 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 रे बच्चे। तो हे गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? मेरा तो लास्ट का इतना ही डायलॉग रहता है। क्या लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इनका कहना है कि आप प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, हमको इस लगन ये डबल लग दी है। तो आज साल का लास्ट डे है 31 दिसंबर। तो आज का स्पेशल हमारा यही था कि हम लोग विला देखने गए थे और हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया 4 BHK, जो कि हमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है अभी 4 BHK का, क्योंकि हमारे लिए 2 BHK भी इनफ है। नहीं, क्योंकि हस्बैंड और एक छोटा बच्चा है तो बच्चा को तो सेकेंड रूम में मैं सुलाऊंगी नहीं, एक ही रूम में सुलाऊंगी अभी इतनी छोटी है कि। तो 2 BHK इनफ है, कोई आ भी गए तो कोई दिक्कत। लेकिन पता नहीं वो देखने के बाद ना ऐसा लगा कि बड़ा ही मज़ेदार था, अच्छा लगा मुझे विला। तो अभी हम कुछ प्लानिंग नहीं कर सकते, वो काफ़ी कॉस्टली भी था, 2.5 करोड़ का था ना, 2.5 करोड़ का था। अगर फुल्ली फर्निश वगैरह सब कुछ कराते 3-4 करोड़ का चला जाएगा वो, तो अभी उसका प्लानिंग ही नहीं है। हमें आज पता ही नहीं था लास्ट का, मतलब लास्ट का बोलते हैं साल का लास्ट डे है। पापा जब बोले ना तब आया अचानक से, अब तरीके साल का लास्ट डे है और इतना आसान सन। वो यहाँ तो भंडारा भी था ना, आप ही तो बोले थे 9 बजे रात में। हाँ तो खाने जाएंगे, पता है ऐसे घूम के बैठा रहे हैं, मैं खाने देता हूँ। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में नहीं है कि कहीं, मतलब ये तो अपार्टमेंट का है ना, कहीं हम अलग जगह तो रहने जा रहे हैं तो जाएं थोड़ा सा घूम फिर के आएँ, लोगों से मिल के आएँ, ऐसा खा पी के बिल्कुल नहीं। तुम्हें पार्टी करना है, कुछ चाहिए घर में मंगा लो, घर में खा लो, जाने में इंटरेस्टेड नहीं है।